हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर रश्मि दुबे फ्रॉम डॉक्टर पॉल्स एडवांस हेयर एंड स्किन सॉल्यूशन। हमारे यहाँ हेयर और स्किन से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान किया जाता है। सारे एडवांस ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। हेयर के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं, हेयर फॉल, हेयर रीग्रोथ, हेयर ट्रांसप्लांटेशन, बियर्ड ट्रांसप्लांटेशन, आईब्रो ट्रांसप्लांटेशन जैसी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। स्किन के लिए भी सभी प्रकार के ट्रीटमेंट्स और लेज़र अवेलेबल हैं। डिजीज़ पोर्शन के लिए अलग से होम्योपैथी फ्यूजन का सेगमेंट भी हमारे यहाँ है। फिलहाल आज हम बात करेंगे होली पे स्किन केयर और हेयर केयर के बारे में, क्योंकि होली का त्यौहार बहुत नज़दीक है और अभी सभी जानना चाहते हैं कि होली में कैसे हम केमिकल्स से बचें, या अगर जो लोग होली खेलना चाहते हैं उनको क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए होली खेलने के पहले। तो सबसे पहले बात करेंगे हम स्किन केयर के बारे में। तो होली में स्किन केयर के लिए जो पहला टिप्स है वो ये है कि होली खेलने के पहले अपनी स्किन पे बहुत अच्छे से आइसिंग कर लें। स्पेशली वो लोग जिनका ऑयली स्किन है या ओपन पोर्स हैं, इनको सुबह उठ के होली वाले दिन सुबह 5 मिनट तक आइसिंग करना है। आइसिंग ड्राई स्किन वाले लोग भी कर सकते हैं, उनको भी कोई हार्म नहीं है आइसिंग करने में। सेकेंड जो टिप है होली के लिए स्किन केयर टिप, वो ये है कि अपनी स्किन को लेयरिंग देना है आपको। ऑयली स्किन वाले लोग किसी अच्छे मॉइस्चराइज़र का यूज़ करें और जिनका ड्राई स्किन है वो ऑयल यूज़ करें। ऑयल आप कोई भी अच्छा ऑयल यूज़ कर सकते हैं, जैसे ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आलमंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है आपको कि मस्टर्ड ऑयल का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल सन के कॉन्टेक्ट में आने पर आगे मेलाज़मा वगैरह के कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट करता है। तो मस्टर्ड ऑयल का यूज़ स्किन के ऊपर ना करें। तीसरा जो टिप है स्किन केयर से रिलेटेड, वो है सन प्रोटेक्शन का। आप हमेशा ध्यान रखें कि सनस्क्रीन का यूज़ मैंडेट है होली खेलने के पहले, क्योंकि मोस्टली हम ओपन प्लेसेस में ही होली खेलते हैं। तो सनस्क्रीन का यूज़ करना है, SPF 50 होना चाहिए सनस्क्रीन, और इसके साथ में कोशिश करें जिंक ऑक्साइड कंटेनिंग सनस्क्रीन का यूज़ करें। जिंक ऑक्साइड हल्का सा वाइटिश अपीयरेंस देता है स्किन के ऊपर, लेकिन ये बहुत अच्छा है सन प्रोटेक्शन के लिए। इसके अलावा वो लोग जो होली के लिए टैंक्स बना रहे हैं या कोई पूल पार्टी करने जा रहे हैं, ये वो सनस्क्रीन यूज़ करें जो वाटर प्रूफ हो, अदरवाइज़ आपका सारा का सारा सनस्क्रीन जैसे ही आप वाटर के कॉन्टैक्ट में आएंगे चला जाएगा। चौथा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप जो है वो ये है कि होली के पहले किसी भी प्रकार की पार्लर एक्टिविटी आपको नहीं करना है। ना आपको थ्रेडिंग करवाना है, ना ब्लीच करवाना है, ना वैक्सिंग करवाना है। सेम वो लोग जो कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं किसी क्लिनिक से या किसी डॉक्टर से, उनको भी कोई ट्रीटमेंट नहीं लेना है होली के 5 दिन पहले और होली के 5 दिन बाद तक। वो लोग जो किसी टाइप के लेज़र पे हैं या पीलिंग ट्रीटमेंट पे हैं, इस तरह की कोई भी चीज़ आपको होली के 5 दिन पहले से 5 दिन बाद तक अवॉइड करनी है। अब हम बात करेंगे होली खेलने के बाद जो सबसे मेजर कंसर्न होता है लोगों का कि होली के पहले क्या करना है, ये तो पता है, बट होली खेलने के बाद कैसे आप कलर को छुड़ाएं या कोई रिएक्शन हो गया है तो आप उसको कैसे दूर करें। तो होली खेलने के बाद अगर आपको कलर लग गया है या ऐसा कुछ है कि कुछ आप एलर्जिक रिएक्शंस फील कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा बॉदर होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी फोम बेस्ड फेस वॉश, फोम बेस्ड बॉडी वॉश यूज़ करना है आपको, और होली खेलने के बाद भी आपको ऑयलिंग करनी है बॉडी में, 5-10 मिनट छोड़ देना है। उसके बाद आपको फोम बेस्ड बॉडी वॉश या फेस वॉश से उसको वॉश करना है। अगर आपको कुछ एलर्जिक रिएक्शन लग रहे हैं, रेडनेस लग रही है या किसी प्रकार की खारिश लग रही है, तो सबसे पहले वहाँ पे एलोवेरा जेल यूज़ करें या लैक्टोकैलामाइन का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है तो खुद से कोई भी ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें और वो जो आपको सजेस्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको आगे की चीज़ें डिसाइड करनी है। होली खेलते समय एक और चीज़ का ध्यान रखें, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी को कवर करने के लिए और कॉटन क्लोथ्स का यूज़ करें, जिससे आप कम सन एक्सपोज़र या कलर के कांटेक्ट में आ जाएं। एक चीज़ जो हम सभी जानते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते, कोशिश करें सूखी होली खेलने की और कोशिश करें कि ऑर्गेनिक कलर्स का यूज़ करें। अब हम बात करेंगे हेयर केयर के बारे में। हेयर केयर में हम क्या कर सकते हैं, अगेन सबसे पहले कोशिश करें लेयरिंग देने की, यानी कि अपने हेयर्स में ऑयलिंग करने की कोशिश करें। बहुत सारे लोग सलाह देते हैं कि आप स्कैल्प में भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं,
बट पर्सनली आई बिलीव कि वो लोग जिनका ऑलरेडी ऑयली स्कैल्प है या जिनको सेबोरिक डर्मेटाइटिस का या डैंड्रफ का या फंगल इन्फेक्शन का कंसर्न है, ऐसे लोग अपने स्कैल्प में ऑयल ना डालें, लेकिन लेंथ में आपको ऑयल डालना है। और स्पेशली जो मेल्स हैं वो ऊपर से लेयरिंग कर सकते हैं ऑयल की, लेकिन कोशिश करें स्कैल्प में ऑयल पुट ना करें। दूसरा जो है, जिनके लॉन्ग हेयर्स हैं वो लोग भी लेयरिंग कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें स्टाइलिंग के द्वारा या किसी ट्रेंडी स्कार्फ के द्वारा अपने हेयर्स को कवर करने की। तीसरा जो टिप है हेयर केयर से रिलेटेड, वो टिप ये है कि जिन लोगों ने भी कोई केमिकल ट्रीटमेंट लिया हुआ है बालों पे, मेल हो चाहे फीमेल हो, जब भी हम कलरिंग कराते हैं या केराटिन कराते हैं, स्पेशली जो लोग कलरिंग कराते हैं, क्यूटिकल्स ओपन रहते हैं, ऐसे में अगर कोई भी हानिकारक केमिकल आपके बालों में चला गया तो वो लॉन्ग टर्म में ब्रेकेज का इशू या फ्रिजीनेस का इशू या फिर ड्राइनेस कॉज कर सकता है आपके हेयर्स में। तो कोशिश करें या तो आप जूड़ा बांध लें या स्कार्फ लगा लें या हैट लगा लें, लेकिन बालों को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें आप कलर से बचाने की। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हेयर एंड स्किन केयर टिप। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।